वैद्य जी एवं समस्त हमारे कॉलेज के शिक्षकगण एवं स्टाफ, हमारे भी प्रहलाद पारदी जी। लामता कॉलेज में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष को मंत्री रामकिशोर कावरे ने गोपनीयता की दिलाई शपथ। शासकीय महाविद्यालय लामता में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष विनोद बोथरा का पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक व राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने मुख्य अतिथि में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। श्री मंत्री कावरे ने विनोद बोथरा को जनभागीदारी समिति अध्यक्ष पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। यह शासकीय महाविद्यालय लामता की समस्त जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ शासकीय महाविद्यालय लामता के सभी शिक्षकगण व छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। जनभागीदारी समिति अध्यक्ष विनोद बोथरा ने शपथ ग्रहण कर अपने वक्तव्य में बताया कि शासकीय महाविद्यालय लामता की समस्त जिम्मेदारी और महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। हर समस्या के निराकरण के लिए कोई कोर समस्या नहीं छोड़ जाएंगी। हर समस्या निराकरण के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएंगी। शासन द्वारा मेरा मनोनयन मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय लामता जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद हेतु किया गया है। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सच्ची श्रद्धा से महाविद्यालय के विकास के लिए कार्य करूंगा। मैं विनोद बोथरा जनभागीदारी अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं छात्रहित के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। भारत माता की वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।